खबर अपने दर्शकों को बता दें, पीएम मोदी के अपमान पर भड़के हैं शिवेंद्र अधिकारी। पीएम मोदी के अपमान को लोकतंत्र का अपमान बताया है। पीएम मोदी के खिलाफ बोलना भारत माता के खिलाफ बोलना, ये बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। ममता ने कहा था बंगाल मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहता, क्या कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी ने ये सुनाते हैं। मोदी जी तो चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है, करीब करीब 3/4 मेजोरिटी उसके पास है। मोदी जी के खिलाफ बोलना डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना, मोदी जी के खिलाफ बोलना भारत माता के खिलाफ बोलना आता है। और क्योंकि सरफराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सरफराज, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने उन पर पलटवार किया है, यह कहा कि मोदी का अपमान यानी कि लोकतंत्र का अपमान, क्योंकि आपके साथ वहां पर इस वक्त आवाम है, बंगाल की जनता है, जरा उनसे पूछिए वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है जिस तरीके से ममता बनर्जी शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर रही है। देखिए, यहाँ के लोगों में प्रीति बहुत ज्यादा नाराजगी है, और आप लोगों के लिए सच्ची अच्छी बात यह है कि तमाम लोग यहाँ पर जी हिंदुस्तान को देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग तमाम लोग जो है देखते हैं, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट है यहाँ पर, और ये लोगों का जो प्यार दिखता है वो बड़ी बात है। दादा आप आइए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ममता दीदी आप शब्द कह रही हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये अशिक्षा जो अशिक्षित रहती है उनका प्रमाण है कि वह शिक्षित है, क्योंकि कोई भी शिक्षित व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता। जब किसी का पाप का घड़ा भर जाता है ना, उसका मति भ्रष्ट हो जाता है, और वो इसी तरह से काम करता है, तो उसका जाने का टाइम नजदीक आ गया है, यही उसका संकेत है। रावण भी अपने आखिरी दिनों में ऐसे श्री राम के प्रति अशब्द बोला करते थे। मोदी जी को दुर्योधन कह रही है ममता दीदी, वो बोलने दीजिए मोदी को, आना ये वही बनाएगा बंगाल का। ममता बनर्जी सुरपनखा है, हमारा मोदी जी कभी दुर्योधन नहीं है, वो इतना अच्छी प्रधानमंत्री है जो कभी बन नहीं पाया। हाँ भैया। हाँ सर, प्रधानमंत्री आ रहे, हम लोग बहुत खुशी है सर, और हम लोग यहाँ पे विकास चाहते हैं बंगाल में, जय श्री राम। हम लोग चाहते हैं कि बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल में विकास नहीं हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में बीजेपी सरकार आए और पूर्ण बहुमत के साथ में। खुशी है सर, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर मैं आके और बंगाल का मतलब गौरव बढ़ाए और यहाँ पर मैं विकास करे आके। बहुत उत्साहित है सर कि प्रधान मोदी जी सर आ रहे हैं। बांग्लार विकास मोदी के ढाका हिंदी बोलेंगे? हाँ जरूर बोलेगा। बोलिए, मोदी साहब को इसलिए बुलाया गया है ताकि पश्चिम बंगाल में कुछ अच्छा काम हो, जो पब्लिक के लिए, गरीब के लिए जो एक अच्छा संसार बनाए। अंकल बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे थे, इनसे बातचीत करी। क्या कह रहे हैं आप अंकल? हम लोग को थोड़ा देखिए, हम लोग गरीब आदमी, गरीब आदमी है, आपके लिए मैं आपका दाया। आपकी बार 200 पार, आपकी बार ममता हटा रहे हैं बीजेपी को। ये लोगों में खुशी है, ये लोगों में खुशी है, और ये लोग तमाम जो लोग हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं, उनको सुनने के लिए आए हैं, और ममता दीदी ने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीर जाफर और दुर्योधन कहा है, उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से क्या देंगे, उस पर सबकी नजर है, खड़गपुर की नजर है, मेदिनीपुर की नजर है, बंगाल की नजर। बिल्कुल, ये मंच की तस्वीरें आप सरफराज दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी उस मंच पर होंगे और क्या कहते हैं वहां से ये देखना बेहद जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, खासतौर पर ममता बनर्जी की ओर से, सरफराज मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप लोगों से उस पर बात कीजिए, वो क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी नेता खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी इसको लेकर, दिलीप घोष इसको लेकर बेहद ज्यादा नाराज नजर आए। चलिए, कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार ममता दीदी हमला बोल रही हैं, उन्हें मीर जाफर कह रही हैं, दुर्योधन कह रही हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को जो ममता बनर्जी ये सब बोल रही है ना, ये सब पूरा विश्व जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर ये सब आरोप वही लगा सकती हैं जो खुद ये हो।